हेलो बच्चों कैसे हो आप चलिए फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सेल पर गाइस मैं हूं आपका दोस्त ट्वेंटी चौधरी चलिएगा फ्रेंड्स बात करने वाले हैं आपसे फिजिक्स के एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस जैसा कि आप जानते हैं आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन का चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेलाइकन को क्लिक जरूर कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है कि प्रश्न तनाव की बीमा क्या है तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं मैं जितने प्रैक्टिस सेट आपके आपके सामने लेके आया हूँ हर किसी में आपसे पूछा है बीमा है आपसे मात्रक पूछा है तो ये क्वेश्चन कॉमन है ये आते रहते हैं तो इसलिए आपका देख लीजिए यहाँ से आपके दो नंबर तो एक तरह से एक दो नंबर तो यहाँ से कम्प्लीट हो ही जाता है क्लियर इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ नहीं है इन चीजों में बस थोड़े नॉर्मली आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप बीमा भी निकाल देंगे और उसका मात्रक भी निकाल देंगे चलिएगा आपसे पूछ रहा है प्रश्न तनाव की बीमा क्या है तो प्रश्न तनाव होता क्या है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही प्रश्न तनाव कहलाता है मतलब प्रश्न तनाव के बारे में बात करें प्रश्न तनाव इक्वल होता है बल अपॉन लंबाई बल अपॉन लंबाई और आपको पता होना चाहिए बल क्या होता है बल इक्वल टू होता है एम मतलब मास इनटू त्वरण मास के लिए क्या लेते हैं हम केजी लेते हैं त्वरण के लिए क्या लेते हैं त्वरण के, के, के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर अब इसकी मैं विमा बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगी यहां से बनेगी एम एल और इसके टी माइनस 2 ये बनेगी इसकी भिमा, बल्कि बीमा ये होती है आपको याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से अपॉन लंबाई लंबाई क्या होता है? एल होता है है अगर से आप ऑन जाएगा तो क्या आएगा एल की पावर जीरो हो सकता है या फिर एम इन सॉरी एम टी की पावर माइनस टू होता है क्लियर तो आप देख पा रहे हैं आपका एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर पा रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन भी हो सकता था आपके सामने एल जीरो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे वन हो

मतलब प्रोपोर्शनल होता है इसके तो बात करेंगे सीधा तो ओम होता है किसका मात्र प्रतिरोध का मात्र ओम होता है जब ओम को ऊपर और है, की गति के किस नियम पर आधारित है आपने देखा होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसी नियम पर आधारित है कौन सा नियम होता है ये? तीसरा नियम होता है न्यूटन का कौन सा नियम है तीसरा नियम है ऑप्शन नंबर वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है देखो जो भी बूंदे होती है बरसात की बूंदे हो चाहे पानी की बूंद हो उसके अंदर जो गोल होती है तो गोल होने का कारण क्या होता है गोल होने का कारण एक ही होता है तनाव क्या होता है तनाव याद रखिएगा इस बात को बहुत जरूरी है क्या है तनाव होता है नेक्स्ट चलेगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि लिफ्ट में चढ़ने पर लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा अब देखो उसने कहा है लिफ्ट में चढ़े हो और जब आप जैसे लिफ्ट जाती है ऊपर की तरफ चलती है तो चढ़ जब ऊपर चढ़ती है तो आपको क्या लगता है भार अपना भारी सा लगता है क्या लगता है भारी सा लगता है एकदम ठीक है तो हम ऑप्शन क्या आप बोलेंगे उसमें बढ़ेगा क्या होगा बढ़ेगा लेकिन स्थिर कब रहता है जब एक समान मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप चल रहे हो तब होता है नेक्स्ट चलेगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है देखिए विद्युत विभव का मात्रा पूछ रहा है आपसे विभव हो या विभवान्तर बोलूँ तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे तो क्या होगा बोल्ट होता है क्या होता है बोल्ट क्लियर नेक्स्ट चलेगा

सरल रेखीय गति करती करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम नियम का समीकरण देखो गति का जो प्रथम समीकरण होता है क्या होता है गति का प्रथम समीकरण आपसे पूछ रहा है तो आप बताइए क्या होता है तो यहाँ बता सकते हैं आप माफ करना हाँ, आपके सामने जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा गति का प्रथम नियम प्रथम जो आपके सामने समीकरण है कौन सा है ये होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्लियर आप बात करें देखो यहाँ बहुत ही ज़्यादा माइनर का कन्फ्यूजन हो सकता है आपको आप फॉर्मूले को देख लें एक बार ये आपके सामने देखा है गलत है ठीक है बाकी के आपके सामने ये एक अगला समीकरण दे रखा है ये अगला समीकरण दे रखा है तो। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए चाहिए आपके सामने क्लियर ये सामने हो जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे बोल रहा है यदि बंद थर्मल में रखी बर्फ को तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा बताइए भाई क्या होगा अगर बंद थर्मल थर्मस है, आपके पास थर्मस दे रखा है सॉरी थर्मस दे रखा है थर्मस में आपसे बर्फ रखी हुई है तो उसे क्या कर तेज तरीके से घुमाया जा रहा है तो घुमाए जाने से बताइए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बर्फ पिघल जाएगी या फिर वर्फ का टेम्परेचर और गिर जाएगा या बर्फ और कठोर बन जाएगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तब आप कर पाएंगे तो बर्फ क्या होगी गाइस पिघल जाएगी क्या हो जाएगी पिघल जाएगी याद रखिएगा बच्चों इस बात को कि तो बर्फ क्या होगी पिघल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है आपसे बोल रहा है किसी ताप पर आपसे पूछा किस ताप पर किस ताप पर ध्वनि का वेग जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ताप से वेग से दोगुना हो जाएगा मतलब कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग दोगुना हो जाएगा अभी जीरो, जीरो सेंटीग्रेड पर कोई दे, रखे, की दे, रखे, का वेग दे रखा है तो ताप के वेग मतलब देखो ये दे रखा है उसने ध्वनि का वेग जीरो सेंटीग्रेड ताप के वेग से दोगुना हो जाएगा तो कितने टेम्परेचर पर दोगुना हो जाएगा तो देखेंगे आपको ये पता होना चाहिए इसमें रिलेशन क्या होता है मतलब ध्वनि के वेग में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है तो देखिए ध्वनि का वेग वी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपके सामने इस प्रोपोर्शनल होता है किसके ये होता है टी के टाइम के सॉरी टेम्परेचर के क्या टेम्परेचर के क्लियर तो देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल होता है टी वन हम मान लेते हैं वी वन क्या है पहले वेग क्या था वी वन था तो वी वन क्या ध्वनि का वेग है हवा में हवा में बात कर रहा करूँगा इस हवा में ठीक है तो हमने क्या कर दिया अब अपॉन ये क्या टी वन अपन में ले लिया हमने टी टू मतलब दूसरा टेम्परेचर है अब यहां बात कर रहे हैं उसने बोला है वेग दो गुना कब हो जाएगा मतलब दो गुना हो जाता है कितने टेम्परेचर पर दो गुना हो जाता है तो हमने क्या कर दो गुना वेग ले लिया रिलेशन यही रहेगा ठीक है ये क्लियर अब इसको ब्रेक करते हैं हम इस फॉर्मूले को जरा ब्रेक करते हैं आपको देख पा रहे होंगे तो हम देखो इसे ब्रेक करेंगे क्या आएगा यहां पे आएगा वी वन का स्क्वायर और इन टू में आएगा फोर क्या है जो टेम्परेचर आपके सामने देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से निकाल देंगे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ टी टू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है टीवन हमारे पास दे रखा है तो टी वन आपके सामने दे रखा तो टी वन का चार गुना हो जाता है और टी वन का चार गुना करेंगे T1 का कर देंगे, तो आपके निकल के आ तो देख लीजिए दे जीरो डिग्री इसमें क्या कर, देंगे? कर देंगे तो दो सौ तिहत्तर कैलविन कहीं आप जीरो रख दें जीरो डिग्री ले, ले, ले लो मल्टीप्लाई कर दे बोले जीरो ही आ रहा है ऐसा नहीं करेंगे क्लियर कैलविन में चेंज कर लिया तो आप जानते हैं टी टू निकालेंगे क्या करेगा फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ थ्री होता है ट्वेल्व अपॉन सॉरी फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है फोर सेवन जो होता है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस करेंगे तो ट्वेंटी ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन टू बजता है तो और फोर का मल्टीप्लाई फिर करेंगे आपके सामने टू के साथ में तो एट एट में करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे टू को तो क्या आएगा इतना निकल के आ जाएगा आपके सामने ये निकल के आएगा टी टू की वैल्यू कैलबिन में अगर इसे सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो तो दो सौ तिहत्तर इसमें से सब कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगी वैल्यू क्लियर और इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर पा रहा है ये याद रखिएगा क्लियर चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आपके देखा है, क्लू बाट, क्लू बाट मात्रक है, किस चीज का मात्रक होता है, 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 है? बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोशिश किया करो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की तो इसका क्या मात्र मतलब किस चीज का ये मात्रक होता है आपने पढ़ा हो जैसे आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें एक क्लोवाट एक क्लोवाट घंटा इक्वल टू तो क्या होता है एक यूनिट बन जाता है क्या बन जाता है एक यूनिट बन जाता है तो यहां पे आप समझ सकते हैं क्या है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है क्या होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्लियर शक्ति का मात्रक तो हो नहीं सकता क्योंकि हो हो, होता? वाट होता है क्लियर वल्व क्या वल्व का मात्रक ये कोई वल्व का मात्रक थोड़ना है ना ही विद्युत का मात्रक विद्युत का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है विद्युत द्वारा मात्रक एमपियर होता है चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि जैसे आपने देखा ना आवाज गूंजना जैसे आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा कि चिल्लाते तो उसका आवाज लौट के आती है क्लियर तो वो उसके लिए मिनिमम कितनी लंबाई होनी चाहिए कितनी दूरी होनी चाहिए कम से कम ये यह यहाँ पे जो है आपके सामने दे रखी है गल, गलत दे रखी तो है थोड़ा मिस्टेक दे रखी है इसमें मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा ये होता है सेवन टू होती है सेवनटीन पॉइंट टू होती है आप बोलेंगे ये कैसे निकल के आती है कैसे निकालते हैं हम इसे मतलब सेवनटी पॉइंट कैसे निकल के आता है आपको पता है जब आपने आपने पूछा कि ध्वनि प्रतिध्वनि आपको सुनाई देनी है मतलब सुनना चाहते हो प्रतिध्वनि क्या मतलब एक सेकंड के अंदर जो सामने आपके आपके सामने पास लौट के आती है तो आपको ये आपको है तो तो आपको 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 ये ये डिस्टेंस फाइंड करनी पता चाहिए कि चाल क्या होती है चाल क्या होती है ध्वनि की चाल क्या होती है हवा में आपने ये पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल बट्टे सॉरी चाल गुणा समय होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है चाल गुणा समय चाल क्या होती है देखिए अब आपके पास क्या है जैसे यहाँ पहाड़ी है आपने क्या हुआ यहाँ आप यहाँ से चिल्ला रहे हो चिल्लाएंगे यहाँ तक जाएगी आव, हाँ, आवाज़ और आपकी आवाज़ यहाँ से फिर टकरा के लौट के आएगी तो मतलब एक तरह से डबल क्या कर है, डिस्टेंस क्या कवर कर रही है मतलब टू कवर कर रही है मतलब डबल डिस्टेंस कवर कर रही है और आपको ये सुनाई जो देता है आपको पता है चाल मान लेते हैं कितनी होती है टू होती है कहीं कोई कहीं कहीं टू कहीं कहीं टू फोर्टी थ्री दे रखा सॉरी थ्री थ्री फोर्टी थ्री दे रखा होता है कहीं कहीं तो आप ये कॉमनली हम ये मान के चलते हैं आपके सामने और ये गाय ये कब होता है ये पॉइंट सेकेंड मतलब पॉइंट वन सेकंड के अंदर ये काम होता है मतलब आवाज का जाना फिर वापस आपके कान में गूंज मतलब आना लौट के तो क्या होता है पॉइंट सेकंड के अंदर ही ये काम होता है तो पॉइंट सेकंड के अंदर जो काम होता है तो आप देख लीजिए टू डी इक्वल टू निकल लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या निकलेगा थर्टी फोर पॉइंट फोर हो जाएगा और टू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के जाएगा टू निकल के आएगा तो सेवनटीन पॉइंट टू सॉरी सेवनटीन पॉइंट टू निकल के आता है तो यही क्या होती है वैल्यू होती है यही क्या है इसकी मतलब आपके जो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जब आप आवाज सुनना चाहते हैं गूंज हैं तो कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम सेवनटीन पॉइंट टू मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए तभी आप गूंज को सुन सकते हैं और ये गूंज को सुनना ये कितने टाइम में होता है ये होता है आपका पॉइंट वन सेकेंड के अंदर यह काम होता है क्लियर चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है नेक्स्ट आपसे बोल रहा है पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म हो जाता है ऐसा देखिए आपसे पूछ रहा है पतीली पर पानी रख दिया गर्म करने के लिए तो एक साथ पूरा गर्म हो जाता है ऐसा क्यों होता है भाई ये कारण क्या है आपने पढ़ा होगा संवहन आपने पढ़ा होगा चालन आपने पढ़ा होगा विकरण तो क्या होता है ये सब चीजें तो ये सब चीजें गाई होती हैं आपकी जैसे चालन के बारे में बात होगी तो क्या होती है ये होता है धातुओं के अंदर धातुओं के अंदर चालन की क्रिया होती है विकरण की क्रिया वहां होती है गैस खासकर गैस अवस्था में ज़्यादातर मिलती है और आप जो सम्वहन की बात करें तो सम्वहन क्या होता है ये होता है गाई जो आपका जब वाटर मतलब लिक, लिक्विड के सापेक्ष में लिक्विड के बारे में बात करें तो कौन कौन सी काम करती है यहाँ पे संवहन काम करता है तो कौन किस कारण होता है पानी गर्म पूरा संवहन के कारण होता है क्लियर क्यों होता है जैसे आपने पतीली रखी हुई है इस पर क्या कर दिया आपने नीचे आग गैस लगा दी गैस से मैं आग लगा चालू कर दी आपने गैस चालू कर दी गैस चालू करने के बाद क्या होता है नीचे जैसे पानी गर्म होगा तो क्या जाएगा ये हमेशा कैसे चलता है ऊपर की तरफ मतलब ठंडे से गर्म से ठंडे की तरफ चलता है तो गर्म से ठंडी की ओर जाएगा तो जो नीचे गर्म होता जाएगा वो क्या जाएगा जा ऊपर तरफ जाता जाएगा और जो ऊपर ठंडा है वो क्या जाएगा नीचे आता जाएगा क्लियर इस तरीके से होता है चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहा है समताप समतापी प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है घटती है या अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है थोड़ा लॉजिकली आप सोचेंगे तो आप आंसर इसका दे पाएंगे देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा कोशिश किया करो इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की तो गाइस उसने कहा है समतापी प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाती है तो भाई कोई परिवर्तन ही नहीं होगा क्योंकि वो समतापी है टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ने ही नहीं देगा वो जो जिस टेम्परेचर में जैसे आपने देखा ना आपने जो बोतल में पानी भर देते हैं जैसे इंसुलेटेड बोतल होती है उसमें तो क्या होता है उसमें कोई ताप टेम्परेचर का आदान प्रदान कुछ हो ही नहीं पाता तो क्या होता है उसमें ना तो परिवर्तन होता ही नहीं है उसके टेम्परेचर में कुछ भी ठंडा है तो ठंडा रहेगा गर्म है गर तो गर्म ही रहेगा क्लियर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ जाएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपसे ये यहाँ पुछ रहे हैं रिलेशन क्या होता है ये रिलेशन तो आपको याद ही रखने होते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला खुद ही होता है इसमें हम क्या बताएंगे ये तो रिलेशन होता है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर आपका पर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा मिस्टेक दे रखे इसमें कुछ भी ऑप्शन देखो यहाँ पे ए कहीं दे रखा है कहीं नहीं दे रखा है इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है इसको आप छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है चालीस ओम प्रतिरोध वाले किसी धातु के तार को खींच इसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है भाई दुग्नी कर दी जाती है तो दुग्नी कर दी जाती है तो आपसे पूछ रहा है भाई कि इसमें प्रतिरोध वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या मतलब होगा क्या इसका ये पूछ रहा है आपसे आपसे पूछ रहा है क्या होगा तो आपको जाहिर सी बात है आपसे क्या पूछ रहा है आपसे सीधा सीधा उसने ये कहा है कि भाई चालीस ओम प्रतिरोध का क्या है एक तार है उसको खींच के लंबा मतलब उसी तार को क्या किया है खींचा है तो जाहिर सी बात है पहले थोड़ा मोटा होगा और जब उसने खींचा तो क्या होगा और पतला हो जाएगा मतलब पहले जो था उससे और पतला हो जाएगा अब आप दो कंडीशन आती है यहाँ पे तार की लंबाई कैसे बढ़ाई जा रही है यहाँ पे उसने स्पष्ट बोल दिया खींच के बढ़ाई जा रही है दूसरी कंडीशन क्या होती है क्या पता उसकी लंबाई को जब दोगुना कर रहा है क्या पता है पहले उसमें जो दस मीटर का तार था उसने एक और तार के आया मीटर 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 का 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 उसने उसने वो जोड़ दिया ये कंडीशन हो हो सकती सकती है है दूसरी क्या तार था उसे खींच कर दिया उसी को खींच के तो दो कंडीशन होती हैं समझ पा रहे हैं क्या होती है दो कंडीशन होती हैं आप देखिए कैसे करेंगे सॉल्व ये देखना है तो देखिए बच्चों आपने एक कंडीशन देखी होगी आपने एक पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू होता है मतलब जब आपने आर पढ़ा है तो आर इज प्रपोर्शनल क्या होता है लेंथ के और रेसिप्रोकल सॉरी जो रेसि होता है किसके इक्वल होता है जब मैं आ, आप बात कर रहे थे मतलब सिंपली बात ये समझिए कि जब आर जो होता है आर इज प्रपोर्शनल टू होता है लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके एरिया के तो जब आर निकालते थे क्या होता था आर इज प्रोपोर्शनल टू निकलता था एल अपॉन ए तो आप जब इसको कंबाइंड रूप में जब इसे इक्वल में निकालते तो क्या होता था एल अपॉन ए इस तरीके से निकल के आता था आपने सबने है मतलब सिंपली बात करें आपके सामने क्या है? आपके सामने है, R तो तार को खींच रहे हैं साहब दोगुनी लंबाई तक तो जाहिर सी बात है दोगुनी लंबाई तक खींचेंगे मतलब आर डैश आपसे पूछ रहा है मतलब उसके आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा मान लिया हमने आर डैश है दूसरा जो निकलेगा तो लंबाई को क्या किया उसने दोगुना किया है खींच के जो पहले लंबाई थी उसका दोगुना कर दिया ठीक है और जाहिर सी बात है जब उसी तार को खींचेंगे तो भाई उसके जो एरिया है एरिया क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा क्यों हो जाएगा आधा एरिया भाई क्योंकि जो तार की मोटाई थी वो तो पतला हो जाएगा ना दोगुना दोगुना एक तरह से पतला हो जाएगा तो आप समझ लीजिए यहाँ से आप जब, जब निकालेंगे आर डैश निकलेगा तो क्या निकलेगा ये निकल के आएगा ये फोर एल अपॉन ए फोर एल अपॉन ए तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या इंप्लाइज करेगा ये आर वन सॉरी आर डैश इक्वल टू निकलेगा यहाँ से फोर को अलग कर लेता हूँ तो फोर अलग कर लिया तो निकल जाएगा एल अपॉन ए ये कंडीशन समझ पा रहे हैं और ये किसके है ये कुल टू निकल के आया फोर इंटू आर जो पहले आर दे रखा था तो आप देख सकते हैं कभी भी आपके सामने बोले कि उसी तार को खींच के लंबा कर रहा है तो हमेशा आप क्या करेंगे जो जो आपके सामने रेजिस्टेंस दे रखा है जो आपके सामने प्रतिरोध दे रखा है उसका चार गुना कर देंगे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से आर डे क्या निकलेगा जब फोर फोर्टी पुट फौर्ट करेंगे इस जगह पर तो क्या निकल के आएगा वन सिक्सटी ओम निकल के आ जाएगा उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को अगर यहाँ पे बोल देता कि तार की लंबाई दोगुनी मतलब दूसरा तार जोड़ के बनाया गया है दूसरा तार जोड़ दिया गया है तब क्या होगा तब आप वही कंडीशन आर इक्वल टू आपको बताइए रो एल अपॉन ए होता है ठीक है उसने बोला तार की लंबाई बढ़ा दी आप दोगुनी कर दी है अब उसने खींच के नहीं की उसने दूसरा तार जोड़ दिया है तो देखो क्या हो जाएगा 2L मतलब लंबाई हो गई और एरिया पर तो प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि उतनी ही मोटाई का ऐसा ही तार है तो एरिया तो उसने अगर खींचता तो एरिया आधा होता लेकिन एरिया उसने आधा नहीं करना है क्योंकि खींचा नहीं है उसने उसने दूसरा तार जोड़ा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आरडेस निकालना हो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर के तो हमेशा याद रखिएगा जब आपसे तार खींचने की बात कर रहा हो तो उसका चार गुना कर देंगे जो प्रतिरोध दे रखा है अगर आपसे बोले कि दूसरा तार जोड़ दिया गया है तो भाई उसमें क्या करेंगे दो गुना करेंगे आर का क्लियर उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे ऑप्शन आपका जो ऑप्शन होगा होगा कौन सा करेक्ट यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है आपसे बोल रखा है आपके सामने प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पे प्रतिरोधों को जोड़ रखा है आपसे बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ तो इस इस सीन को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ कैसे इसे मैं कर दिया इस तरीके से दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया अब नीचे करके इस तरीके से और ऐसे यहां पे बीच में एक प्रतिरोध इस तरीके से ये ये इन दोनों का मतलब जो ये चित्र बना हुआ ये और जो मैंने यहां बना रखा चित्र इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है ठीक है याद रखिएगा इस चीज को यहाँ क्या है थ्री ओम ये भी थ्री ओम और ये आपके सामने नीचे रखा है थ्री ओम अब आप समझ पा रहे हैं ये तो भाई श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स ओम हो जाएगा टोटल और यहाँ क्या रखा ये थ्री ओम तो यहाँ सिक्स ओम या थ्री ओम ये पैरेलल पोजिशन में तो आप सो सोच सकते हैं पैरेलल वाली को कंडीशन को कैसे जोड़ेंगे तो सिक्स ओम प्लस वन पॉइंट थ्री ओम अब इनको आप जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं देखिए जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा सिक्स एलसीएम निकल के आएगा वन पॉइंट आर इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ पर में सिक्स ओम और ऊपर क्या निकल के आ रहा है बताइए ऊपर क्या निकल रहा है इस तो ऊपर जैसे ही निकालेंगे भाई जब आपके सामने दे रखा था सिक्स ओम तो यहाँ तो आएगा वन प्लस यहाँ पे आपके सामने थ्री दे रखा था थ्री टू या सिक्स होता तो टू आएगा तो यहाँ से थ्री हो जाएगा तो आएगा थ्री अपॉइंट सिक्स ओम और थ्री से हम काटेंगे तो क्या एगा? वन अपॉइंट टू ओम तो आर निकालेंगे क्या निकल के आया टू ओम तो वन अपॉइंट आर इक्वल टू निकल क्या था वन अपॉइंट टू ओम तो आर निकाला तो हमने आपके सामने निकल के आया टू ओम उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा इस तरीके से आपके सामने फाइंड करके दिखा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन घर की यूनिट निकालना सीखना तो ऐसे सीख लीजिए देखिए कैसे इसने दे रखा है प्रत्येक 50 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलते हैं प्रदीप का मतलब जलते हैं ठीक है और 30 दिन या एक माह एक माह में विद्युत ऊर्जा होगा मतलब विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी यहाँ पे ये गलत लिख रखा है को रखा है इसका मतलब एक ही है व्यय का मतलब मतलब खर्च हो रही है क्लियर चलिए पचास वाट का बल्ब लगे हुए और कितने बल्ब हैं पचास वाट का एक बल्ब है तो दस वाट दस वल्ब कितने गए सौ वाट के हो गए क्लियर

मतलब क्लो वाट में पूछ रहा था अभी तो वॉ ये वाट के फॉर्म में निकला है वॉट पर आवर की वाट समझिएगा ये वाट आर में निकला है वाट आर में निकला है तो इसे क्लो वाट में बदलना चाहते हो क्या करें थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे कर दीजिए भाई डिवाइड थाउजेंड से क्या निकल के आएगा डेढ़ सौ वॉट डेढ़ सौ क्लो वाट निकल के आ जाएगा डेढ़ सौ क्लो वाट अगर यूनिट निकाले तो क्या बोलेंगे इसकी डेढ़ सौ यूनिट निकल गई आपके सामने क्योंकि आप जानते हैं एक हजार क्लो वाट में क्या होता है एक यूनिट बन जाता है तो आपके सामने याद रखा है

उसके बारे में बात कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं आपके सामने हजार वाट लगा दिया हमने पे तो क्या हो जाएगा एक यूनिट बन जाती है क्लियर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है निम्न में से किन दो राशियों का बीमा समान होगा तो बताइए भाई आप जानते हैं किन दो राशियों की बीमाएं जो है समान होंगी बताइए भाई ये नहीं आता ना तो समझ लो भाई आप बहुत पीछे हो आप बहुत पीछे हो आपको इतना इतना अनुमान लग जाना चाहिए अपने ऊपर कि आप बहुत पीछे हैं तो आपको पता है जो मतलब कार्य की इकाई भी क्या होती है जूल होती है और ऊर्जा की भी क्या होती है जूल होती है तो दोनों की इकाई दोनों की जूल होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए फिर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट होना चाहिए तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्वागत कर